अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। निर्मल शहर के कांग्रेस टाउन सदर में मतीन ने आई ग्रेडी बस साधा निशाना, कहा मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को दिया जा रहा है चॉकलेट। निर्मल के कई मोहल्ले हैं लावारिस तरक्की से दूर है कई इलाके, पुराने मोहल्लों की तरक्की को छोड़कर नई कॉलोनी पर तवज्जो क्यों, इमाम मतीन का सवाल। कांग्रेस की बढ़ती हुई शोहरत पर बीआरएस भोगलाट का शिकार, आने वाले इंतखाबात में होगी कांग्रेस की बड़ी जीत, इमाम मतीन का दावा। नाज़रीन अब नजर डालते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमाम मतीन, माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी निर्मल। आज मीडिया के सामने आने का मकसद कल यानी 16 अगस्त को हमारे होनेबल मिनिस्टर जनाब इंद्राकांत रेड्डी साहब डबल बेडरूम के दौरे पर अपने काफिले के साथ पहुंचे, जहां मुसलमानों को जो डबल बेडरूम दिया गया उनके घर पर गए और वहां से उलमाओं से भी मुलाकात की और वहां पर एक मस्जिद के लिए जमीन देने का वादा भी किया। जहां पर इल्ला बिल्ली में डबल बेडरूम है वहां पर एक मस्जिद की जमीन देने का वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं जनाब इंद्राकांत रेड्डी साहब को, क्या वहां बुनियादी सहूलतें क्या पूरी हो गई? क्या वहां ड्रेन है? क्या वहां रोड है? क्या वहां पानी की सहूलतें हैं? यह सिर्फ इलेक्शन स्टंट है आपका। मुसलमान आपका डर व खौफ है, आपको डर होना भी चाहिए। मुसलमान इस बार कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप वो डर व खौफ में मस्जिद को जमीन देने का ऐलान कर दिया। माशाल्लाह मुबारक सारे मुसलमानों को, बहुत खुशी की बात है आपने मस्जिद दी, लेकिन एक बजट बनाइए वहां मस्जिद की तामीर के लिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है आपने मस्जिद की जमीन दे दी मुसलमानों को खुश करने के लिए और मुसलमान वोट हासिल करने के लिए, ये नाकाफी है। क्या निर्मल में मुसलमान वार्डों में क्या सारी बुनियादी सहूलतें आपने दे दी? रोडों पे देखिए इतने गड़े हो गए कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, कब गिर कर अपनी दांत टूट जाते मालूम नहीं। इतना बुरा हाल है मुसलमानों के वार्डों के वार्डों में, गंदगी इतनी फैले हुई है, कचरा तक नहीं उठा रहे, इतना बुरा हाल है। आप ये छोड़ दिए, ये आप आइए हमारे साथ, हम आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ, आप आइए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको मुसलमान वार्डों में कितनी गंदगी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि माजी में यही मिनिस्टर साहब मुसलमानों से कई वादे किए और उसे पूरा नहीं करे, आज फिर ये वादा कर रहे हैं जमीन देने का। ये वादा पूरा होता नहीं होता नहीं मालूम। अब ऐसे तो वादे करते हैं मुसलमानों को वोट के लिए, मुसलमान से झोली भर भर के वोट ले लेते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। इस तरह आपकी पॉलिसी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि माजी में इस तरह की हरकत उन्होंने की। 2018 इलेक्शन के बाद वो जीतने के बाद एक हाजियों के प्रोग्राम में उन्होंने कहा हम इतना डेवलप कर रहे हैं, हम इतना मुसलमानों को हेल्प कर रहे हैं, मुसलमानों के इतने काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुसलमान हमें वोट नहीं डाले, हमें टाउन में लीड नहीं आई। ये वीडियो मौजूद है मेरे पास। मैं इसलिए आवाम से कहना चाह रहा हूँ, खास करके मुसलमानों से, उनकी बातों में मत आइए। इस बार कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में और निर्मल में बनने जा रही है, आप डटे रहिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।